ऑनलाइन टेस्ट स्टार्ट हो गया है ना, चलिए ज्वाइन कीजिएगा। छात्रावास अधीक्षक भर्ती 2022, सब इंस्पेक्टर और एडीओ तीनों की एग्जाम की तैयारी करने वाले बिल्कुल वीडियो को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा। डेली क्लासेस चलेगी और टेस्ट है आप लोग का, है ना बच्चों? टेस्ट है ना, टेस्ट चल रहा है, पहला क्लास है और आज रात 9:30 बजे की क्लास होगी। कौन कितने पानी में है ये आपको पता चल जाएगा आगामी परीक्षा सामान्य ज्ञान की, है ना। देखिए टेलीग्राम में जुड़ जाइएगा, टेलीग्राम का देखिए यहाँ पर मैं दे दिया हूँ, टेलीग्राम है, व्हाट्सएप ग्रुप है, व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कीजिएगा, डिस्क्रिप्शन के नीचे लिंक में दिया गया है ना व्हाट्सएप ग्रुप। और इंस्टाग्राम में जुड़ना चाहते हैं तो मैथ्स एजुकेशन बाय रुपेश सर करके आप ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम में, और इंस्टाग्राम में आप जुड़े तो मैथ्स एजुकेशन बाय रुपेश सर, ठीक है, ज्वाइन कीजिएगा विद टेलीग्राम, दोनों आप ज्वाइन कर सकते हैं सर्च करके, ठीक है। तो चलिए आज का पहला क्लास स्टार्ट करते हैं। देखिए वीडियो को सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ ही लाइक कीजिएगा, एक छोटा सा प्यारा सा लाइक करके रख लीजिएगा, ठीक है। आगामी परीक्षा में सामान्य ज्ञान के प्रश्न पूछे जाएंगे तो नोट करके रख लीजिएगा, कॉपी में नोट कर लीजिएगा और टेस्ट दिलाइएगा। चलिए टेस्ट है, टेस्ट दिलाइएगा। जो बच्चे नए हैं क्लास में बिल्कुल सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा वीडियो को, चलिए ठीक है। डेली क्लासेस होगी, 9:30 बजे की क्लास है, ऑनलाइन टेस्ट दीजिए, कौन कितने पानी में है आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। हाँ डेली क्लासेस कराया जाएगा रवीना, डेली क्लासेस होगी है ना। चलिए राहुल कह रहा है 6:30 बजे की क्लास, हाँ 6:30 बजे की क्लास में करंट अफेयर रहती है और दोपहर 12 बजे सब इंस्पेक्टर और छात्रावास की, ठीक है। चलिए टेस्ट दिलाइए और पहला प्रश्न आपके सामने है, हाल ही में राज्य के मुख्यमंत्री द्वारा राज्य के किस जिले में पर्वतारोहण अकादमी खोलने की घोषणा की है। देखिए इंग्लिश मीडियम वाले और हिंदी मीडियम वाले दोनों के लिए है ना। चलिए रिसेंटली इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ स्टेट ऑफ द चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट अकाउंटेड अनाउंसड द ओपनिंग ऑफ माउंटेनियरिंग अकादमी, ठीक है। यानी कि हाल ही में राज्य के मुख्यमंत्री द्वारा राज्य के किस जिले में पर्वतारोहण अकादमी खोलने की घोषणा की है, तो चलिए कमेंट करें इसका आंसर कौन सा होगा, बिल्कुल कमेंट करें ना। देखिए ऑप्शन आप टिक लगाएंगे तभी आपको पता चलेगा कि कौन सा होगा, इसका आंसर ए होगा बस्तर, ठीक है, बस्तर होगा। जो हाल ही में राज्य के मुख्यमंत्री द्वारा राज्य के बस्तर में पर्वतारोहण अकादमी खोलने की घोषणा की है, जिनका सही हुआ है बिल्कुल यस करके लिखिएगा। पहला है बस्तर, किन किन लोगों का बस्तर आ रहा है कमेंट करें ना। सेकंड क्वेश्चन है आपका, हेल्थ एंड वेलनेस एप्लीकेशन के उपयोग और उन्नयन के लिए राज्य का तीसरा स्थान प्राप्त है, यह पुरस्कार किस ओर से दिया जा रहा है, तो किस ओर से दिया जा रहा है। ऑप्शन ए है केंद्रीय स्वास्थ्य संगठन, सेकंड है विश्व स्वास्थ्य संगठन और तीसरा है राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन और चौथा है भारत सरकार, तो ऑप्शन में कौन सा आएगा चलिए कमेंट करें, है ना। एक सेकंड है ना। चलिए 30 सेकंड का आपका समय दिया जाता है, 30 सेकंड को आपको समय दिया जा रहा है, चलिए कमेंट में जल्दी बताइए। हेल्थ एंड वेलनेस एप्लीकेशन के उपयोग और उन्नयन के लिए राज्य का तीसरा स्थान प्राप्त है, यह पुरस्कार किस ओर से दिया जा रहा है, तो किस ओर से दिया जा रहा है आप कमेंट कीजिएगा जल्दी। हाँ 30 सेकंड आपको ख़त्म हो गया ना, चलिए इसका आंसर डी होगा, भारत सरकार, भारत सरकार आएगा इसका आंसर, भारत सरकार होगा ना, इसका आंसर भारत सरकार होगा, जो कि हेल्थ एंड वेलनेस एप्लीकेशन के उपयोग और उन्नयन के लिए राज्य का तीसरा स्थान प्राप्त है और यह पुरस्कार भारत सरकार द्वारा दिया जा रहा है, किन किन लोगों का सही हुआ कमेंट करें। देखिए बबीता कह रही है इसका आंसर मुझे, ठीक है, देखिए अगर आप लोग टेस्ट दिलाओगे तभी आपको पता चलेगा ना कि किस प्रकार है आपको आंसर कौन सा आ रहा है, आप टेस्ट दिलाओगे तभी आपको ज्ञान प्राप्त होगा, है ना। चलिए तीसरा क्वेश्चन है आपका, राज्य के प्रतिष्ठित व्यक्तियों जिनका निधन हो गया उनके कार्य क्षेत्र का मिलान करना है आपको, तो चलिए इसका आंसर कौन कौन, दीपक तिवारी कौन सा आएगा चलिए कमेंट कीजिए, कल्याण सेन, मोतीलाल वोरा, ललित सुरजन, ठीक है। चलिए इसका आंसर मैं बता रहा हूँ जल्दी से, दीपक तिवारी का आएगा रंगकर्मी, नोट कर लीजिए ना, दीपक तिवारी का रंगकर्मी, कल्याण सेन का संगीतकार, मोतीलाल वोरा का है वरिष्ठ नेता, ललित सुरजन का है वरिष्ठ पत्रकार, यानी कि इसका आंसर ए होगा, ठीक है। चलिए यहाँ तक हो गया ना आपको, क्लियर हो गया। चलिए फोर्थ क्वेश्चन है आपका, प्रदेश में ESMA यानी कि इंसेंटियल सर्विस ऑफ मेंटेनेंस एक्ट क्या है,
चलिए कमेंट करें इसका आंसर क्या होगा, यानी कि इसका कथन कौन सा है सत्य है ये पूछा गया है ना। व्हाट इज द ESMA, यानी कि एसेंशियल सर्विस मेंटेनेंस एक्ट इन द स्टेट, यानी कि प्रदेश में ESMA का क्या अर्थ है। तो चलिए कमेंट कीजिए इसका आंसर कौन सा होगा, डी। देखिए सभी का आंसर डी आ रहा है, सत्य है कथन, या कथन सत्य है यानी कि। तो चलिए देखते हैं पहला क्या है। पहला है COVID-19 के कारण प्रदेश में आवश्यक सेवा संधारण और विच्छिन्नता निवारण कानून है, ठीक, ये भी पहला सही है। बी ऑप्शन देखते हैं कि स्वास्थ्य स्वच्छता बिजली जल आपूर्ति एवं सुरक्षा सेवा में लगे कर्मचारियों पर लागू है, ये भी आंसर आएगा, ये भी सही है। ESMA की अवधि 6 महीना की होती है, तो ये भी बिल्कुल सही है। तो ये सभी कथन सत्य है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका पांचवा। राजीव गांधी न्याय योजना की शुरुआत कब हुई। देखिए वीडियो में लाइक बहुत कमा रहा है ना, वीडियो में लाइक कमा रहा है ना, वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो में बहुत कमा रहा है, मुझे लगता है बहुत कमा रहा है मेरे हिसाब से, वीडियो को लाइक करें। और जो बच्चे नए हैं बिल्कुल सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा, जो बच्चे नए हैं बिल्कुल सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा, ठीक है। चलिए पांचवा क्वेश्चन है कि राजीव गांधी न्याय योजना की शुरुआत कब हुई है। देखिए छत्तीसगढ़ करंट अफेयर प्लस सामान्य ज्ञान, ये दोनों क्वेश्चन रहेगा ना आपको, टेस्ट चल रहा है ना, बिल्कुल देखिए इसको याद कर लीजिएगा, नोट करें। राजीव गांधी न्याय योजना की शुरुआत कब हुई है, राजीव गांधी न्याय योजना की शुरुआत कब हुई है, तो जल्दी बताइएगा इसका आंसर। इसका आंसर सी होगा ना, 21 मई 2020 को, इसको नोट करके रख लीजिएगा, आगामी एग्जाम में आ सकता है संभावित प्रश्न, ठीक है। राजीव गांधी न्याय योजना की शुरुआत कब की गई है, तो इसका आंसर सी होगा, 21 मई 2020 को राजीव गांधी न्याय योजना की शुरुआत की गई है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका को वर्तमान में राजीव गांधी न्याय योजना के तहत कौन से फसल को शामिल नहीं किया गया है। तो कौन सा फसल है उसको शामिल नहीं किया गया है, तो चलिए जल्दी बताइए, कमेंट करें जल्दी, है ना, 30 सेकंड का आपको समय दिया जाता है, ठीक है, कमेंट करें। वर्तमान में राजीव गांधी न्याय योजना के तहत कौन से फसल को शामिल नहीं किया गया, तो वो कौन सी फसल है उसको शामिल नहीं किया गया है, तो कमेंट में बताइए इसका आंसर कौन सा आएगा। चलिए इसका आंसर कौन सा आएगा जल्दी बताइए, इसका आंसर आएगा तीवरा दाल, ठीक है, जो कि वर्तमान राज्य में गांधी न्याय योजना के तहत फसल को शामिल नहीं किया गया। तो कौन कौन फसल को शामिल किया गया है, तो वो सोयाबीन, मूंगफली, कोदो और कुटकी, ठीक है। चलिए सातवां क्वेश्चन आपका, महतारी दुलार योजना क्या है। देखिए अब करंट अफेयर्स आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट मिलेगा ना, करंट अफेयर है ना, महतारी दुलार योजना क्या है, महतारी दुलार योजना क्या है, चलिए बताइए इसका आंसर कौन सा होगा। व्हाट इज महतारी दुलार स्कीम, ठीक है सेम, चलिए बताइए इसका क्या होगा, इसका आंसर बी आ रहा है बहुत लोगों का। देखिए राहुल, रीना, मीना, राहुल हो गया ना, चलिए सुखदेव हो गया है, रवीना हो गया है ना, चलिए इनका आंसर बी आ रहा है बहुत लोगों का, बी आ रहा है। तो कोरोना काल में माता पिता को खोए बच्चों को सहारा देना, ठीक है, बिल्कुल सही होगा, आंसर भी होगा ना, महतारी दुलार योजना क्या होता है, तो कोरोना काल में माता पिता को खोए बच्चों को सहारा देना, ठीक है, यहाँ तक आपका सही हो गया ना। चलिए कौन कितने पानी में आपको मिल जाएगा समझ में आ जाएगा, ठीक है। देखिए जो बच्चे नए हैं इस वीडियो में बिल्कुल सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन के नीचे लिंक में दिया गया है, जाके ज्वाइन कीजिएगा, व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम सभी दिया गया है, वहाँ आप फॉलो कीजिए ना। हाँ व्हाट्सएप ग्रुप में जो भी पूछना है आप वहाँ पूछ सकते हैं, टेलीग्राम में जो भी पूछना है आप पूछ सकते हैं, ठीक है। चलिए सामान्य ज्ञान की प्रश्न रहेगी, लाइव टेस्ट है ना ये टेलीग्राम में, मैं देखिए वीडियो को सबसे अधिक से अधिक शेयर करें ना। चलिए जो बच्चे नए हैं बिल्कुल सब्सक्राइब करके रख लीजिए, चलिए मैं 1 मिनट में आता हूँ ना, चलिए 1 मिनट में आ रहा हूँ मैं। चलिए आठवां प्रश्न है आपका कि वर्ष 2014 और 19 में जनगणना में प्रदेश में बाघों की संख्या क्रमशः कितनी है। तो देखिए 2014 और 2019 की जनगणना में प्रदेश में बाघों की जो जनगणना है, बाघों की जो संख्या का क्रम है वो कितनी है, क्रमशः कितनी है, तो सबसे कम और सबसे ज़्यादा भी बताना है आपको। तो सबसे पहले 2014 में कितनी है, तो 2014 में 46 थी, ठीक है, बाघों की जो संख्या थी 2014 में 46 थी, जो अब 2019 में कितनी रह गई है, 19 है, ठीक है, बाघों की जो संख्या है 2019 में 19 है, तो ऑप्शन बी होगा इसका आंसर, ठीक है। चलिए
छत्तीसगढ़ राज्य जैव विविधता बोर्ड ने जैव विविधता दिवस पर कौन सी पुस्तक प्रकाशित किया गया? अब पुस्तक से बहुत ही इम्पोर्टेंट आपको नोट्स रहेगा, पुस्तक से आपको बहुत सी एग्जामों में पूछा जाता है, ठीक है? चलिए, इस विच बुक हैज़ बीन पब्लिशेड बाई द छत्तीसगढ़ स्टेट बायोडाइवर्सिटी बोर्ड ऑन बायोडाइवर्सिटी डे, ठीक है? इसका आंसर कौन सा होगा? उपरोक्त सभी, इसका आंसर सभी होगा। क्या क्या है ऑप्शन देखते हैं। तो पहला ऑप्शन है आपका फ्लोरल डाइवर्सिटी ऑफ छत्तीसगढ़, बी है बटरफ्लाई ऑफ भोरमदेव वाइल्ड लाइफ, और तीसरा है स्नैक्स एंड अदर रेप्टाइल्स ऑफ छत्तीसगढ़, रेप्टालाइट रेप्टाइस्लाइट है ना, रेप्टाइल्स ऑफ छत्तीसगढ़ है ना। चलिए, छत्तीसगढ़ राज्य की जैव विविधता बोर्ड ने जैविक विविधता दिवस पर कौन सी पुस्तक प्रकाशित किया है? तो ये तीनों को प्रकाशित किया गया है, ठीक है? फ्लोरा डाइवर्सिटी ऑफ छत्तीसगढ़, सेकंड है बटरफ्लाई ऑफ भोरमदेव वाइल्ड लाइफ, और तीसरा है स्नैक्स एंड अदर रेप्टाइल्स ऑफ छत्तीसगढ़। नोट कर लीजिएगा ना कॉपी में इसको, बिल्कुल टेलीग्राम में मिल जाएगा, डी पीडीएफ है ना, इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा। देखिए, यहाँ इसके बाद बीमारी से पूछा जाता है ना क्वेश्चन। देखिए, पीसा कोना जल और टेनिस भी किस बीमारी की दवा है? ये पीसा कोना है जो कि पीसा कोना जल और टेनिस बी किस बीमारी की दवा है, तो ये किस बीमारी की दवा है चलिए बताइए। इसका आंसर भी होगा ना दाद, दाद है जो पीसा कोना जल और टेनिस बी की बीमारी की दवा है, ठीक है? चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय संशोधन अधिनियम 2020 के अनुसार राज्य ने बस्तर विश्वविद्यालय के स्थान पर क्या नाम प्रतिस्थापित किया गया है? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है? छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय संशोधन अधिनियम 2020 के अनुसार राज्यपाल ने बस्तर विश्वविद्यालय के स्थान पर क्या नाम प्रतिस्थापित किया है? तो इसका आंसर आपका होगा सी, शहीद महेंद्र कर्मा, शहीद महेंद्र कर्मा होगा इसका आंसर, ठीक है? यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक। जो बच्चे नए हैं बिल्कुल सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा, और हर बच्चे वीडियो को लाइक करें, हर बच्चे वीडियो को लाइक करें, ठीक है? मुझे कमी दिख रही है वीडियो में लाइक करने का, कमी दिख रही है, ठीक है ना? इतना मेहनत हम लोग करते हैं तो उसका लाभ तो मिलना चाहिए ना बच्चों, ठीक है? वीडियो को लाइक ज़रूर करें, जितने भी नए बच्चे हैं वीडियो को लाइक ज़रूर करें, जो भी वीडियो देख रहे हो वो वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिएगा, छोटा सा प्यारा सा स्माइल लाइक ज़रूर करें। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन से जिले के सोनहत ब्लॉक में मेड़ा ग्राम में बालप घाट पहाड़ से किस नदी का उद्गम हुआ है? ठीक है, एक बार और पढ़ लेते हैं क्वेश्चन को। कौन से जिले के सोनहत ब्लॉक में मेड़ा ग्राम में बालप घाट पहाड़ से किस नदी का उद्गम हुआ है? तो किस नदी का उद्गम हुआ है कमेंट कीजिएगा, सभी का कमेंट आना चाहिए ना, जो बच्चे वीडियो देख रहे हैं उनको कमेंट करना है, टेस्ट चल रहा है ना टेस्ट, अपने आप को समय दो कितने पानी में है, जो बच्चे अभी तक तैयारी कर चुके हैं वो एक बार समय दे और लास्ट तक जरूर देखे, ठीक है ना बच्चों? लाइट बंद हो गया है ना, लाइट बंद हो गया है, तो चलिए कवर कर लेते हैं, दो तीन क्वेश्चन और बचा है, ठीक है? हसदेव आएगा इसका आंसर, क्या आएगा? हसदेव, ठीक है, हसदेव आएगा इसका आंसर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि सिरपुर में स्थित लक्ष्मण मंदिर के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो लक्ष्मण मंदिर के बारे में क्या क्या कथन सही है, तो चलिए देख लेते हैं, इसका आंसर डी होगा उपरोक्त सभी। तो चलिए कौन कौन सा ऑप्शन है देखते हैं। तो पहला ऑप्शन है 7वीं सदी यानी कि 625 से 650 ईस्वी के बीच बना हुआ, बिल्कुल सही है। सेकंड है कि भगवान विष्णु को समर्पित है, ये भी सही है। तीसरा है सोमवंशी राजा हर्ष की पत्नी वास्ता द्वारा निर्मित है, ये भी बिल्कुल सही है, यानी कि इसका आंसर तीनों ही होगा, जो कि सिरपुर में स्थित लक्ष्मण मंदिर के बारे में कथन बिल्कुल सत्य है, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, तांदुला लीलागर और खरखरा किसकी सहायक नदियां हैं? एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है नदियों से, तो आप सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा वीडियो को, डेली आपको क्लासेस कराया जा रहा है। तांदुला लीलागर और खरखरा किसकी सहायक नदियाँ हैं? तो तांदुला लीलागर और खरखरा किसकी सहायक नदियाँ हैं चलिए कमेंट में बताइएगा। इसका आंसर आएगा सी, शिवनाथ नदी ना, शिवनाथ नदी है जो तांदुला लीलागढ़ और खरखरा की सहायक नदी है, ठीक है, सहायक नदी है। इसके बाद देखेंगे लास्ट क्वेश्चन ना, आपको 15 क्वेश्चन का सेट था आज, 15 क्वेश्चन का, ठीक है? कल आपको 30 क्वेश्चन का सेट कराया जाएगा, 30 और 40 क्वेश्चन का, ठीक है?
पहला क्लास दोपहर 12 बजे की रहती है और शाम 6 बजे की दूसरा क्लास रहती है। तो चलिए दुर्ग जिले के दक्षिण पूर्व से निकलकर 80 किलोमीटर उत्तर की ओर भरकर सिमगा के निकट सोमनाथ नामक स्थान पर कौन सी नदी शिवनाथ में मिलती है। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको नोट कर लीजिएगा, बिल्कुल नोट कर लीजिएगा। इसका पीडीएफ आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा, लेकिन एक बार वीडियो को समझ में नहीं आता तो एक से दो बार ज़रूर देखिएगा और अपने आप को एक बार फिर से मिलान कर लीजिएगा, ठीक है। एक बार वीडियो को पूरा देख लेना, उसके बाद एक बार बिना देखे मतलब उसको वीडियो को एक बार देख लेना और फिर दोबारा देखना और आप ऑप्शन में लगाते जाना टिक, ठीक है। चलिए ऑप्शन में आप टिक लगाते जाइएगा। तो 15वां क्वेश्चन का आंसर कौन सा होगा, खारून नदी होगा ना। दुर्ग जिले के दक्षिण पूर्व से निकल 80 किलोमीटर उत्तर की ओर भरकर सिमगा के निकट जो सोमनाथ नामक स्थान पर है वो कौन सी शिवनाथ नदी से मिलती है, खारून नदी से मिलती है। इसका आंसर सी होगा। बिल्कुल सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा, वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक करेगा, शेयर करेगा, ठीक है ना। ये हमारा आज का क्लास हो गया है, 15 क्वेश्चन का सेट था, छात्रावास अधीक्षक भर्ती और सब इंस्पेक्टर भर्ती जो आने वाले एग्जाम की तैयारी करना चाह रहे हैं बिल्कुल सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा। व्यापम की तैयारी आपको कराया जा रहा है हमारे यूट्यूब चैनल पर, ज्वाइन कीजिएगा। टेलीग्राम ज्वाइन दिया गया है, व्हाट्सएप ग्रुप भी दिया गया है, डिस्क्रिप्शन के नीचे ज्वाइन कर लीजिएगा। इंस्टाग्राम में फॉलो करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। आज रात 9:30 बजे की क्लास थी जो कि कितने पानी में है आप जांच कर लें। एक बार वीडियो को देख लीजिएगा, दोबारा फिर से देखिएगा और उसको टिक लगाते जाइएगा कि ऑप्शन ये वाला होगा, संभावित प्रश्न है, आगामी एग्जाम में आपको एक नया क्वेश्चन देखने को मिल सकता है, ठीक है। चलिए आगामी परीक्षा में सामान्य ज्ञान के प्रश्न देखेंगे। टेस्ट 1 था आज, टेस्ट 2 क्लास यानी कि भाग 1 और भाग 2 क्लास डिस्क्रिप्शन के नीचे लिंक में दे दिए गए, अब जाके ज्वाइन कर लीजिएगा, उसको भी देख लीजिएगा। और बाकी जो लोग और तैयारी करना चाहते थे हमारे वीडियो के प्लेलिस्ट पर जाकर आप देख सकते हैं, छात्रावास अधीक्षक की है, एडीओ की है, सहायक विकास विस्तार अधिकारी और सब इंस्पेक्टर की क्लास, यानी कि तीनों की क्लास डेली कराया जा रहा है और प्ले लिस्ट में